हेलो डियर स्टूडेंट, आज का जो पहला टॉपिक हमारा है वो है ईस्ट एशिया समिट। आपको समझना है ईस्ट एशिया समिट और आसियान में क्या डिफरेंस है। आसियान जो संगठन है या एसोसिएशन है वो साउथ ईस्ट एशियन नेशन का ग्रुप है। आसियान का मेंबर भारत नहीं है, पहली बात। और इसमें जो भी कंट्री हैं, आसियान के 10 मेंबर हैं, 10 कंट्री हैं, 10 मेंबर हैं, उसमें इंडिया मेंबर नहीं है। बट जो ईस्ट एशिया समिट है इसमें 18 मेंबर हैं, भारत इसका सदस्य है। इसकी एनुअल मीटिंग होती है और ये एक तरह से एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है, ठीक है। जैसे देखिए, ईस्ट एशिया समिट क्या है, ये एक रीजनल फोरम है, यहाँ पर 18 सदस्य देश हैं, उनमें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, तीन ऐसे कंट्री हैं जो एशिया से बाहर के हैं, ठीक है। और इसका एनुअल मीटिंग होती है, अभी 2018 यानी 14 नवंबर टू 15 नवंबर को 13th मीटिंग होनी है, कहाँ पर, सिंगापुर में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ईस्ट एशिया समिट कहाँ पर हुआ, तो ईस्ट एशिया समिट सिंगापुर में हुआ और कब से, 14 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में। यानी हमारे प्रधानमंत्री अभी इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए गए हैं। तो याद रखना है, ईस्ट एशिया समिट इज ए रीजनल फोरम, इसमें 18 मेंबर हैं, इंडिया भी इसमें मेंबर है। एशिया के अलावा इसमें तीन कंट्री हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। बाकी जो कंट्री हैं, 15 कंट्री हैं, वो एशिया के ही हैं, ठीक है। तो एशिया और आसियान में डिफरेंस ये है कि आसियान का मेंबर भारत नहीं है, लेकिन ईस्ट एशिया समिट का भारत मेंबर है। तो ईस्ट एशिया जो समिट है, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है कि जो एशिया के जितने भी 18 मेंबर, खासकर जो 10 कंट्री हैं उसके अलावा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं, उनके साथ हम देश के कैसे अच्छे संबंध बनाए जाएं, है ना। हाउ टू डेवलप द एक मैच्योर रिलेशनशिप या हेल्दी रिलेशनशिप टू ईस्ट एशियन कंट्री, है ना। तो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है यूएसए है ना। तो यूएसए का मतलब है जितने भी कंट्री हैं उनके साथ यूएसए खड़ा है, तो अपने आप में एक ये पावरफुल मीटिंग हो जाता है। नेक्स्ट है, इसमें है सन टेंपल। सन टेंपल न्यूज़ में था, सूर्य मंदिर, ठीक है, सूर्य मंदिर है वो कोणार्क में है। कोणार्क यानी उड़ीसा में, ठीक है। और ये कब बनाया गया है, ये 13th AD को बनाया गया है, ये 13th AD को बनाया गया है। और इसको किसने बनाया था, गंगा डायनेस्टी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, गंगा डायनेस्टी का एक राजा है, उसका गंगा डायनेस्टी राजा है, उसका नाम है नरसिंह देव फर्स्ट। तो ये नरसिंह वर्मन फर्स्ट, तो ये ध्यान रखना है। और ये कोणार्क इज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये विश्व धरोहर है, ठीक है। तो
सन टेम्पल यानी सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क में। कोणार्क कहाँ पर है? उड़ीसा में। कब बना? ये 13th century में बना है। एंड किसने बनवाया था? गंग डायनेस्टी के नरेंद्र वर्मन या नरसिम्हा देव फर्स्ट ने बनवाया था, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, तो ये तो था सन टेम्पल। कई बार पूछा जाता है कि सन टेम्पल कहाँ पर है, तो या तो ऑप्शन में कोणार्क होगा और या फिर उड़ीसा होगा, तो ये ध्यान रखना है। सन टेम्पल, कोणार्क, उड़ीसा, गंग डायनेस्टी, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट है इसमें सबरीमाला टेम्पल। सबरीमाला टेम्पल ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, आज भी न्यूज़ में था ये सबरीमाला टेम्पल। ठीक है, लगभग एक साल पूरा ये रहा है सबरीमाला टेम्पल। तो सबरीमाला जो टेम्पल है वो सबसे पहला क्वेश्चन दिया आएगा कहाँ पर है, तो ये केरला में है। ठीक है, ये केरला राज्य में है। उसके बाद क्वेश्चन ये बनेगा कि ये टेम्पल किस गॉड का है, तो यहाँ पर शिवा एंड विष्णु, ठीक है, दोनों की पूजा होती है। यानी यहाँ पर शैविज्म भी है और वैष्णविज्म भी है, और यहाँ के जो गॉड हैं वो हैं अयप्पन। तो ये ध्यान रखना है कि किस गॉड की यहाँ पूजा होती है, अयप्पन की पूजा होती है। ठीक है, और ये न्यूज़ में इसलिए था, इसमें कई सालों से मतलब एंशिएंट पीरियड से 10 साल से लेकर 50 साल की फीमेल को इसमें एंट्री नहीं थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कल्चर में वहाँ पर कि जिस महिला के पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, वो एक तरह से पवित्र नहीं रहती है। तो अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले डिसीजन दिया था कि हम इस केवल जेंडर बेस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। अभी 2-3 दिन पहले एक PIL फाइल की गई थी, उसमें बोला गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसको खुद के डिसीजन को खारिज कर दे। तो आज जो है यानी 30 नवंबर को ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमारा डिसीजन वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। डिसीजन का मतलब है कि कोई भी फीमेल इस बेस पे मंदिर जाने से नहीं रोकी जा सकती है कि वो 10 से 50 के बीच में है। यानी अब जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था वो सबरीमाला में ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, यानी इसमें 10 साल से लेकर 50 साल की महिलाओं की, 50 ईयर की जो महिलाएं होती थी उनकी एंट्री क्या थी, बंद थी। अब क्या हुआ है, अब इनकी एंट्री खोल दी गई है। ठीक है, अब ये एंट्री खोल दी गई इसमें। तो सबरीमाला टेम्पल नेक्स्ट टॉपिक है इसमें। फाल आर्मी, एक है फाल आर्मी, फाल आर्मी। तो ये पूछ सकता है कि फाल आर्मी क्या है। ठीक है, फाल आर्मी, फाल आर्मी एक फाल आर्मी इज ए इंसेक्ट, ये एक कीड़ा है। ठीक है, इंसेक्ट्स है, कीड़ा है। ये कहाँ से आया है? अफ्रीका से आया है, अफ्रीका से। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी ये भारत में, ठीक है, भारत में मक्के की फसल के लिए, है ना, मक्के की फसल के लिए बहुत ज़्यादा ये हानिकारक है। ठीक है, हानिकारक है मक्के की फसल के लिए। तो पूछेगा फाल आर्मी, तो फाल आर्मी इज ए इंसेक्ट, है ना, दैट इज केम फ्रॉम अफ्रीका, दैट इज वेड फॉर द मेज क्रॉप, यानी जो भारत में मक्का की खेती है उसके लिए बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल है, यानी पूरी मक्के खेती को ये ख़राब कर देता है। तो ये था फाल आर्मी, याद रखना है फाल आर्मी इज ए इंसेक्ट्स, एक कीड़ा है। उसके बाद है इसमें
तुलसी गेवार्ड, एक नाम आ रहा है न्यूज में, तुलसी गेवार्ड, ठीक है, तुलसी गेवार्ड। तो ये तुलसी गेवार्ड हैं कौन? तुलसी गेवार्ड अमेरिकी सांसद हैं, ठीक है, अमेरिकी सांसद हैं, और ये भारतीय वंशज हिंदू हैं, ठीक है, हिंदू हैं। अभी न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि वहाँ बोला गया है कि जो यूएसए के प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट इलेक्शन है, उनके लिए ये एज ए प्रेसिडेंट कैंडिडेट बन सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, तुलसी गेवार्ड 2020 में यूएसए में होने वाले इलेक्शन में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कैंडिडेट हो सकते हैं, इसलिए ये न्यूज़ में है, क्योंकि इंडियन हैं और ये पहली हिंदू हैं जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ सकती हैं, ठीक है। तो उसके बाद है, इसमें टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में था, सीबीसी, सेंटर विजिलेंस कमीशन, सीवीसी, सेंटर विजिलेंस कमीशन, सेंटर विजिलेंस, ओके, सेंटर विजिलेंस कमीशन, ठीक है, सेंटर विजिलेंस कमीशन, दैट इज ए गवर्नमेंट बॉडी, ये एक गवर्नमेंट बॉडी है, यानी ये सरकारी संस्था है, ठीक है। इसको बनाया गया है 1964 में, ठीक है, ये सरकारी संस्था है, 1964 में बनाया गया है, और इसका जो सेक्रेटरिएट है वो है न्यू दिल्ली, ठीक है, यानी जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो गवर्नमेंट सिस्टम में, यानी जो सिस्टम में करप्शन होता है, उसकी रिपोर्ट सरकार को संसद में सौंपना, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो करप्शन होते हैं उसके लिए ये काम, गवर्नमेंट करप्शन, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जो गवर्नमेंट का करप्शन होता है, यानी सपोज करो कि अगर किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे कोई पैसा दिया गया है, अगर उस पैसे के लगने में कोई गड़बड़ी हुई है तो उसके खिलाफ ये रिपोर्ट जारी करता है, यानी ये सरकार के कार्यों पर निगरानी रखता है, और इन और इसकी रिपोर्ट काफ़ी मायने रखती है देश के लिए, क्योंकि ये सरकार की बॉडी है और सरकार के अगेंस्ट ही ये इंक्वायरी करती है, यानी सरकार जो खर्च कर रही है वो वास्तव में कितना सही है, और कितना मतलब अगर हमने 100 रुपए दिए हैं सरकार ने, तो वहाँ तक जमीन तक कितने पहुँचे हैं, और बीच पे कहाँ कहाँ इसमें करप्शन हुआ है, यानी सरकार की बॉडी सरकार के अगेंस्ट ये रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक है, काफ़ी फेमस है, न्यूज़ में रहता ही है, वो है राफेल, राफेल डील। राफेल डील में तो आज काफ़ी एक बड़ा मोड़ आया है कि राफेल डील, ठीक है, राफेल डील, राफेल डील में काफ़ी नया मोड़ आया है। डबोर नया मोड़ ये है कि अब तक जो कांग्रेस थी उनका कहना था
कि जो रफेल डील हुई है अभी, वो जो रिलायंस ग्रुप को रफेल बनाने का काम दिया गया है, वो सरकार के इशारे पर दिया गया है। अब तक ये कांग्रेस बोलती थी, लेकिन आज जिस कंपनी ने रफेल जेट बनाए हैं, रफेल फाइटर प्लेन बनाए हैं, उस कंपनी के ऑफिसर ने बोला है कि ये डिसीज़न भारत सरकार का नहीं था, ये डिसीज़न हमारी कंपनी का था कि हमें किसको देना है। तो ये एक नया मोड़ आ गया है रफेल डील में। और जो अपोजिशन, उसका कहना है कि ऐसा क्या हुआ कि जो कंपनी सिर्फ 10 दिन पहले, यानी उसे कभी भी कोई भी उसने प्लान नहीं बनाया, उसको उस पर डेसॉल्ट जो कंपनी जो रफेल बनाती है, उसने रिलायंस ग्रुप पर कैसे भरोसा कर लिया, जो कि और हिंदुस्तान एरोनेटिक लिमिटेड, ठीक है, जो हिंदुस्तान एरोनेटिक लिमिटेड है वो फाइटर प्लेन बनाती है, उस पर उन्होंने भरोसा नहीं किया। तो अभी फिलहाल अभी ये है, उन कांग्रेस का कहना, अपोजिशन का कहना है कि शायद जो बयान दिया गया है वो भारत सरकार के कहने पर डेसॉल्ट के ऑफिसर ने दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, एक बार देख लेते हैं इसको भी, रफेल डील। सिंपल सी बात आती है कि जो रफेल है वो क्या है। रफेल एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है, ये एक लड़ाकू विमान है, ठीक है, ये कहाँ का लड़ाकू विमान है, फ्रांस का, फ्रांस का है, एक कंपनी है डेसॉल्ट, वो बनाता है इसको, ठीक है, डेसॉल्ट कंपनी इसको बनाता है। और 2012 में, 2012 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया था कि हम 126 रफाल लेंगे, लेकिन किसी वजह से वो प्रोजेक्ट नहीं हो पाया तैयार। उसके बाद 2014 में एक नया एग्रीमेंट किया गया, उसमें बोला गया हम 36 रफेल लेंगे। तो अभी जो बात चल रही है वो 36 की बात चल रही है, और वो 36 HAL, हिंदुस्तान एरोटेक लिमिटेड, ये नहीं बना के कौन बनाएगा, रिलायंस ग्रुप, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये रिलायंस ग्रुप इसको बनाएगा, जबकि ये चीज़ जो निर्णय है वो मिलना चाहिए था हाल को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, लेकिन ये दिया गया है किसको, ये दिया गया है रिलायंस ग्रुप को। यही मेन वजह है। रफाल को लेके दो सबसे बड़ा डिस्प्यूट है। पहला तो है कि रफाल की जो कॉस्ट है, जो 2012 में 126 के लिए की गई थी, उससे कहीं गुना ज़्यादा है, पहला डिस्प्यूट। और सेकंड डिस्प्यूट ये है कि आपने जो कंपनी रफाल बनाती है या जो कंपनी फाइटर एयरक्राफ्ट बनाती है, उसको आपने वो टेंडर नहीं दिया, एक ऐसी कंपनी को टेंडर दिया है जिसने जिसे कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, रफेल क्या है, एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, किस कंट्री का है, फ्रांस का, कौन सी कंपनी बनाती है, डेसॉल्ट, भारत सरकार ने 2012 में 126 रफेल लेने की लिए साइन किया था लेकिन डील नहीं हो पाई, 2014 में जो वर्तमान एनडीए गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि हम 36 एयरक्राफ्ट लेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो टेक्नोलॉजी तो फ्रांस की थी, बोला कौन बनाएगा, तो वो अभी डेसॉल्ट का कहना है कि वो हमने रिलायंस ग्रुप को अपनी मर्जी से दिया था टेंडर, न कि भारत सरकार के कहने पर। तो ये सारा डिस्प्यूट है कि कॉस्ट को लेके और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग को लेके। आपने उस कंपनी को, ग्रुप को दिया है जिसने एक कील तक नहीं बनाई है, ठीक है, तो ये डिस्प्यूट है।
और आगे देखते हैं इसमें क्या होता है, क्योंकि जो डेसॉल्ट के ऑफिसर ने बोला है वो तो यही बोला है कि हमने टेंडर अपनी मर्जी से रिलायंस ग्रुप को दिया है, ना कि भारत सरकार के कहने पर। और अपोजिशन ये बोलता है कि जो कंपनी ने कभी एयरक्राफ्ट नहीं बनाए उस कंपनी पर डेसॉल्ट ने कैसे भरोसा किया। कहीं ऐसा तो नहीं ये जो दिया गया बयान है वो भारत सरकार के इशारे पर दिया गया हो। तो ये सारे पॉलिटिक्स मुद्दे हैं। बस ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि राफेल है वो क्या है? वो एक फाइटर एयरक्राफ्ट यानी एक लड़ाकू विमान है। ठीक है, तो ये तो थे आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट करंट अफेयर्स कल लेकर आते हैं। थैंक यू।